हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमें अपने देश में आए और हिंदू भाई और श्री नरेंद्र मोदी ने हमारी इतनी मदद की है। हमारे हिंदू भाई इतने यहाँ आते हैं कैंप में, हमारी मदद करते हैं, हमें आगे बढ़ने का मतलब हौसला बढ़ाते हैं हमारा। जैसे देखो, हम 10 साल पहले आए थे यहाँ 2014 में, तो हमारे पास नागरिकता नहीं थी। अब हमें नागरिकता मिली है तो बहुत खुशी की बात है। और हम देखो यहाँ पे बच्चे को जब से दाखिला करवाते थे ना, तो दाखिला वगैरह में दिक्कत आती थी, तो हम दाखिला नहीं करवाते थे। अब दाखिला भी हो जाएगी, हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे सही से और हमारे देश भविष्य आगे बढ़ेगा। वहाँ तो बहुत परेशानियाँ थी, लड़कियाँ वहाँ नहीं पढ़ नहीं पाती है, अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं निकल सकती है। और जो लोग कहीं तीर्थ वगैरह करने जाते हैं तो लड़कियाँ वहाँ पढ़ी लिखी नहीं है, कभी भटक जाती है तो मुसलमान उनको उठा लेते हैं और धर्म परिवर्तन करवाते हैं लड़कियों को। धर्म परिवर्तन करवाते इसलिए लड़कियाँ वहाँ बहुत डरती है, इतना डरती है घर से भी बाहर नहीं निकलती है। मैं बचपन में थी, छोटी थी वहाँ, मेरे को कुछ भी वहाँ का याद नहीं है अपने घर के सिवा, क्योंकि वह मैं अपने घर में ही रही हूँ तो मेरे को थोड़ा बहुत वही याद है बस। वहाँ तो बहुत हिंदू थे हम, जैसे ये बस्ती बन रखी है वैसे ही वहाँ बहुत लोग हैं। कई लोग तो आधे यहाँ आ गए और बहुत हमारे परिवार पीछे है, वो भी आना चाहता है लेकिन वो भी आ नहीं आ रहे, उनको मतलब ना वो पासपोर्ट अभी वीज़ा ने मिलने में बहुत दिक्कत आ रही है। वहाँ अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोग मजदूरी का काम करते हैं, 500 उनको तारीख मिलती है तो वो अपना आटा वगैरह खरीदते हैं और पैसे उनको मिलते नहीं है तो वो कागजात वगैरह बनवाए। और जो लोग बनवा रहे हैं उनको तो 3-4 बार उनने पैसे भरवाए, कागजात जमा करवाए, लेकिन उनको तभी भी वीज़ा नहीं मिल रही। हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमें अपने देश में आए और हिंदू भाई और श्री नरेंद्र मोदी ने हमारी इतनी मदद की है, हमारे हिंदू भाई इतने यहाँ आते हैं कैंप में, हमारी मदद करते हैं, हमें आगे बढ़ने का मतलब हौसला बढ़ाते हैं हमारा। और हम तो इनका ही धन्यवाद करते हैं, मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके?